तो कहानी की शुरुआत 1980 से होती है, जहां पर हम काफी हैप्पी बैंड ग्रुप को देखते हैं और वो लोग वहां पे अपना गाना बजाना करके आपस में बहुत ज्यादा मौज मस्ती कर रहे थे। तभी पानी के अंदर से अचानक दो जलपरियां बाहर निकल आती है, जो कि देखने में बिल्कुल नॉर्मल लड़कियों की तरह थी, और इन लोगों का गाना सुनने के बाद वो लोग भी पानी के अंदर से गाना गाना स्टार्ट कर देती है। अब फिलहाल तो हमें ऐसा ही लग रहा था कि वो नॉर्मल गाना गा रही है, लेकिन थोड़ी ही देर में हमें पता चलता है कि इनके गाना गाने की वजह से ये सारे लोग हिप्नोटाइज हो गए हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जलपरी अपने गाने के मधुर आवाज से किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकती है। अब यहाँ पे बैंड ग्रुप के हम दो लोगों को देखते हैं जो उन जलपरियों के पास जाके उनके तरफ हाथ बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी इनके बैंड की एक औरत वहाँ पे आती है जो कि इन्हें देखने के बाद काफी जोर से चिल्लाने लगती है। तभी यहाँ से सीन कट होता है और अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि ये बैंड ग्रुप उन दोनों जलपरी वाली लड़की को अपने साथ ले आए हैं और ये बैंड ग्रुप इन्हें अपने नाइट क्लब में लेके आए थे। और यहाँ हमें एक और चीज के बारे में पता चलता है कि पानी से बाहर निकलने के बाद इनके भी इंसानों की तरह नॉर्मल पैर निकल जाते हैं और नाइट क्लब का ओनर इन दोनों को बैकअप सिंगर के लिए रख लेता है और ये दोनों बहनें अब इन लोगों के साथ ही यहाँ पे रहने लगती है, जिसमें एक का नाम गोल्ड तो दूसरे का नाम सिल्वर होता है। अब धीरे धीरे इनका शो चलता जाता है और देखते ही देखते इनका नाइट क्लब वाला शो काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, क्योंकि जो भी इनकी आवाज एक बार सुन ले वो खुद को दोबारा यहाँ आने से रोक नहीं पाता था। लेकिन अच्छी बात तो यहाँ पे ये थी कि वहाँ आने वाले सारे कस्टमर को ये पता था कि ये दोनों लड़की लड़की नहीं बल्कि जलपरी है, लेकिन इसके बाद भी लोगों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहीं हम बैंड ग्रुप के मेंबर मीटेक्स को देखते हैं जिससे सिल्वर प्यार करने लगती है, लेकिन मीटेक्स बस उसके साथ हमेशा एंजॉय करता था। लेकिन यहाँ पे हमें सिल्वर और गोल्ड के बारे में पता चलता है कि भले ही उन दोनों को किसी से भी प्यार हो जाए, लेकिन वो दोनों मिलके एक साथ इंटीमेट नहीं हो सकते क्योंकि इनके पास वो पार्ट नहीं होता। अब यहाँ पे सिल्वर का अटेंशन मीटेक्स को लेके काफी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था, जिसे देखने के बाद गोल्डन को ये काफी बुरा लगता है और वो खुद को काफी ज्यादा अकेला महसूस करने लगती है। और कहीं ना कहीं गोल्डन को ये भी लग रहा था कि सिल्वर उससे प्यार का झूठा नाटक करके उसे जान से मार के खाने वाली है, जिस वजह से वो अपनी बहन सिल्वर के पास जाके बोलती है कि क्या तू उसे खाने वाली है, जिस पे सिल्वर उसे जवाब देते हुए कहती है कि मैं उसे सच्चा प्यार करने लगी हूँ, तो मारना तो दूर की बात है, मैं उसके बारे में गलत सोच भी नहीं सकती। और इन दोनों की बातों से हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये दोनों मिलके इंसानों को भी मार के खाया करते हैं। अब क्योंकि गोल्डन का यहाँ पे मूड खराब था, जिस वजह से वो वहाँ से बाहर निकल जाती है और वो एक गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाती है, तब वो गाड़ी वाला उसका फायदा उठाने के लिए उसे अकेले में बीच के किनारे ले जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद गोल्डन उसे जान से मार देती है और उसे कच्चा खा जाती है। वहीं हम सिल्वर को भी देख पाते हैं जो कि मीटेक्स को ढूंढ रही थी। तभी एक कमरे में उसे पता चलता है कि मीटेक्स क्राइसिया के साथ इंटीमेट हो रहा है, जिसे देखने के बाद सिल्वर को यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन ये सब कुछ जाने के बाद भी सिल्वर मीटेक्स का आने का वेट करती है और जब मीटेक्स बाहर आता है तो सिल्वर उसे अपने साथ बाथरूम में ले जाती है। बाथरूम में जाने के बाद सिल्वर अपने सारे कपड़े उतार के अपने असली रूप में आ जाती है। तब मीटेक्स उससे कहता है कि मैं तुम्हें बस एक अच्छा सा दोस्त मानता हूँ और जो तुम मुझसे चाहती हो मैं तुम्हारे साथ वो नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे सिल्वर अपना गाना गा के मीटेक्स को हिप्नोटाइज कर लेती है और वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अगले सीन में हम ट्राइटन नाम के एक आदमी को देखते हैं और गोल्डन से बात करके वो उसे बताता है कि कभी मैं भी समुद्र का एक क्रिएचर हुआ करता था, और वो गोल्डन को बताता है कि तुम्हारी बहन सिल्वर मीटेक्स को कुछ ज्यादा ही करीब जा रही है, और शायद से अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि अगर तुम्हारी बहन ने उससे प्यार किया और उसने तुम्हारी बहन से प्यार नहीं किया तो तुम्हारी बहन एक फॉग में बदल जाएगी। और बातों ही बातों में वो आदमी गोल्डन को ये भी बताता है कि अगर तुम्हारी बहन सिल्वर ने अपनी पूंछ खोई तो उसके साथ वो अपनी स्वीट आवाज को भी खो देगी, जिसे सुनने के बाद गोल्डन सीधा अपनी बहन सिल्वर के पास जाती है और उसे समझाने की काफी ज्यादा कोशिश करने लगती है, लेकिन सिल्वर उसकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जिस आदमी को बीच के किनारे गोल्डन ने मारा था, उस आदमी के मर्डर केस के पीछे पुलिस को गोल्डन का हाथ लगता है और उन्हें इस बात का पूरा पूरा शक था कि गोल्डन ने ही ये सब कुछ किया होगा, जिस वजह से एक फीमेल पुलिस ऑफिसर उसके पीछे पड़ जाती है और बातों ही बातों में वो गोल्डन से क्राइम सीन की सारी इन्फॉर्मेशन मांगने लगती है। लेकिन तभी गोल्डन यहाँ पे गाना गाने लगती है, जिस वजह से वो पुलिस ऑफिसर यहाँ पे हिप्नोटाइज हो जाती है और वो उस पुलिस ऑफिसर को भी अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। अगली सुबह न्यूज चल रही थी और ये सब लोग बैठ के न्यूज चैनल देख रहे थे और न्यूज पे उसी आदमी की बात की जा रही थी जिसे गोल्डन ने जान से मार दिया था। तभी सामने हम उस पुलिस ऑफिसर को भी देखते हैं जो कि गोल्डन को पकड़ने के लिए आई थी और वो अपना स्टेटमेंट देते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि ये काम किसी जंगली जानवर या किसी कुत्तों का होगा और फिलहाल पुलिस इन सब चीजों की जांच पड़ताल कर रही है और जल्दी हम सबूत तक पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे देखने और सोचने वाली अजीब बात यह है कि वो गोल्डन का नाम नहीं लेती, लेकिन यहाँ पे सिल्वर को पूरा पूरा शक हो गया था कि ये सारा काम गोल्डन का ही है, जिस वजह से वो उठ के अपनी बहन से बहस करने लगती है। अब इन दोनों का अपने काम पे फोकस नहीं था और धीरे धीरे ये लोग अपना काम खराब करते जा रहे थे, जिस वजह से परको सिस्ता इन दोनों के मुंह पे पंच मारता है, जिस वजह से ये दोनों बेहोश हो जाती है और उसे लगता है कि ये दोनों मारी जा चुकी है।
है, जिस वजह से ये लोग मिलके उन्हें कारपेट में लपेट के पानी में फेंक के आते हैं। लेकिन अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि ये दोनों मरी नहीं थी, और वहाँ से बाहर आते के साथ ही ये दोनों अपने असली रूप में आते हैं और कुछ लोगों को जान से मार के खाने लगते हैं, जिसके बाद ये दोनों फिर से बैंड के अंदर आ जाती है और इन लोगों से बातें करने लगती है, जहाँ पे क्लब का ओनर इन सभी से माफी मांगते हुए कहता है कि उस समय पे हमसे गलती हो गई थी, मैं नर्वस हो गया था, लेकिन अब मुझे माफ कर दो। और वो माफी मांगते हुए गोल्डन का हाथ चूम लेता है, जिसपे गोल्डन उसे जवाब देती है कि मैं पागल नहीं हूँ, और वो क्लब ओनर के अंगूठे को वहाँ पे खाने लगती है, जिसके बाद ये दोनों बहनें फिर से इस जगह पे रहने लगती है। वहीं हम सिल्वर को देख पाते हैं, जिसे मीटेक को लेके फीलिंग्स बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन मीटेक्स के दिल में सिल्वर के लिए कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पे सिल्वर डिसाइड करती है कि वो अपना पूछ कटवा के एक नॉर्मल इंसान में अपनी बॉडी को ट्रांसप्लांट करवा लेगी, जिस वजह से वो मीटेक्स से प्यार करके रह सके। और उसके बाद हम सिल्वर को देखते हैं कि वो अपनी बॉडी का ट्रांसप्लांट करवा भी लेती है, और रूल के हिसाब से हमें पता था कि इसकी आवाज जाने वाली है, जिस वजह से उसकी आवाज यहाँ पे चली जाती है। लेकिन ऑपरेशन के साथ ही वो बहुत जल्दी रिकवरी भी कर लेती है और किसी तरीके से व्हीलचेयर के सपोर्ट की मदद से वो किसी तरीके से चलने भी लगती है। तभी हम मीटेक्स को देखते हैं, जो कि सिल्वर के लिए फूल लेके आया था, और यहाँ पे सिल्वर का सपना सच हो जाता है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन तभी सिल्वर के घाव वाला ब्लड मीटेक्स के बॉडी पे आ जाता है, जिसे देखने के बाद मीटेक्स को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और ये घिनौनी चीज देखने के बाद वो सिल्वर से अपना रिलेशन कट कर लेता है। ये सब कुछ देखने के बाद सिल्वर को भी बहुत ज्यादा शॉक लगता है, और उसे इस बात का भी बुरा लगता है कि उसने मीटेक्स के लिए ही अपनी बॉडी का ट्रांसप्लांट करवाया था, जिसमें उसने अपनी बॉडी और आवाज दोनों खो दी। उसके बाद हम एक बार फिर से मीटेक्स को देखते हैं, जिसे रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर एक लड़की मिलती है। इन दोनों के बीच में जल्द ही प्यार हो जाता है और दोनों शादी के कगार पे पहुंच जाते हैं, और मीटेक्स की शादी में सारे लोग वहाँ पे इनवाइट होते हैं, जहाँ पे सिल्वर भी बैठ के आराम से मीटेक की शादी देख रही थी। यहाँ पे गोल्डन और फ्राइडन दोनों को पता था कि सिल्वर अब फॉग में बदलने वाली है, क्योंकि सिल्वर जिससे प्यार करती थी उसने किसी और से शादी कर ली। अब सिल्वर के पास टाइम नहीं बचा था, जिस वजह से गोल्डन उसकी बहन उसके पास आती है और वो उसे समझाती है कि कल सुबह सूरज निकलने से पहले ही तुम्हें मीटेक को मारना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम झाग में बदल जाओगी। अगली सुबह सिल्वर मीटेक से मिलने के लिए भी जाती है, जहाँ वो सूरज निकलने से पहले मीटेक को मारने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वो मीटेक से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, जिस वजह से वहाँ पे जैसे ही सूरज निकलता है तो सिल्वर यहाँ पे झाग बन जाती है। और ये सब को देखने के बाद मीटेक शॉक हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। अब ये सब कुछ देखने के बाद गोल्डन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि मीटेक की वजह से उसकी बहन देखते ही देखते मारी जा चुकी है, जिस वजह से गोल्डन यहाँ पे गुस्से में मीटेक के पास जाती है और उसे जान से मार देती है, और अपनी बहन की मौत का बदला लेने के बाद वो वापस से पानी के अंदर चली जाती है, और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।